नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी श्रीमली और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इनक्रेडिबल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उदयपुर के बारे में। उदयपुर जिसे द सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि टूरिज्म प्लेस के नाम पर अता भंडार है। उदयपुर के बारे में जानने से पहले, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टूरिज्म से रिगार्डिंग ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं उदयपुर टूरिज्म प्लेस के बारे में, जो कि केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फेमस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर एक से। नंबर एक पर है सिटी पैलेस, जो कि शहर के केंद्र से 0 किमी की दूरी पर है, यानी कि शहर के केंद्र में ही है। सिटी पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा महल है, जो पिछोला झील के किनारे बना है। महल का मुख्य भाग सिटी पैलेस म्यूजियम है, जिसमें अलंकृत हॉल, शाही आंगन, गार्डन और जनाना महल शामिल है। और इसकी खूबसूरती का जिक्र करने के लिए मेरे पास कोई और शब्द नहीं है, क्योंकि ये बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक प्लेस है। नंबर दो पर है जगदीश मंदिर। ये शहर के केंद्र से 0 किमी की दूरी, यानी कि शहर के केंद्र में ये जगदीश मंदिर उदयपुर और उसके आसपास के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह जगन्नाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित अपनी आकर्षक स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। जगदीश मंदिर सिटी पैलेस के बड़ी पोल प्रवेश द्वार से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर तीन पर है गुलाब बाग एंड जू। यह भी लगभग सिटी सेंटर में ही है। गुलाब बाग जू इज लोकेटेड इन द मोस्ट एडुंडेड गार्डन कॉल्ड गुलाब बाग। गुलाब बाग में आपको उसकी खूबसूरती के साथ आपको जू में अलग अलग जानवरों को भी देखने को मिलेगा। नंबर चार पर है पिछोला झील। यह शहर के केंद्र से 1 किमी की दूरी पर है। यह झील उदयपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झीलों में से एक है। पिछोला झील ऊंचे महलों, मंदिरों और स्नान घाटों से घिरी हुई है। पिछोला झील में मोस्ट पॉपुलर है बोटिंग। सिटी पैलेस से आने पर रामेश्वरम घाट से नाव आसानी से उपलब्ध हो जाती है, नहीं तो लाल घाट से नाव की यात्रा करें। तो नंबर पांच पर है जग मंदिर पैलेस। शहर के केंद्र से 1 किमी की दूरी पर है जग मंदिर। जग मंदिर पैलेस ये कोई मंदिर नहीं है, ये तो जाना जाता है अपने खूबसूरती के कारण। इसे लेक गार्डन पैलेस के रूप में जाना जाता है। जग मंदिर पिछोला झील से एक द्वीप पर स्थित है। जग मंदिर में केवल नाव से ही जाया जा सकता है। नंबर छः ताज लेक पैलेस। ताज लेक पैलेस शहर के केंद्र से 1 किमी की दूरी पर स्थित 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित ताज लेक पैलेस संभवतः उदयपुर की सबसे रोमांटिक संरचनाओं में से एक है। महल का उपयोग मनोरंजन स्थल और राजा के आनंददायक निवास के रूप में किया जाता था। 66 कमरों के साथ भव्य महल को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है और दुनिया भर के
पर्यटकों की मेजबानी करता है। नंबर 7 पर है बागोर की हवेली। शहर के केंद्र से 1 किमी की दूरी पर स्थित बागोर की हवेली गणगौर घाट मार्ग पर पिछोला झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के प्रधान मंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा किया गया था। हवेली में विस्तृत प्रदर्शन और दर्पण के काम के साथ 100 से अधिक कमरे हैं। इसमें एक संग्रहालय भी है। हर शाम यहां आयोजित होने वाला धरोहर डांस शो है। इसके साथ ही नंबर 8 पर है अमरी घाटी। शहर के केंद्र से 1 किमी पर अमरी घाटी को मंजी घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह उदयपुर के मोस्ट पॉपुलर घाट में से एक है। यहाँ पर आपको मॉर्निंग के टाइम में लोकल सिटीजन्स कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए दिखेंगे, जैसे वॉक, रनिंग, बाथ और योगा। और साथ ही इवनिंग के टाइम आप यहाँ पर कलरफुल लाइट्स का एक मनोरम दृश्य के साथ ही आप यहाँ से लेक पैलेस, जग मंदिर, शिव निवास जैसी हेरिटेज होटल का डिटेल व्यू देख सकते हो। यह एक बेहद ही ब्यूटीफुल प्लेस है। नंबर 9 पर है विंटेज कार म्यूजियम। दिस इज 1 किमी फ्रॉम सिटी सेंटर। यह एक शानदार प्लेस है उन लोगों के लिए जो ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं, कार लवर्स हैं, या फिर जिन लोगों को विंटेज आइटम्स में इंटरेस्ट हो। यहाँ आपको कई प्रकार की राजा महाराजाओं के समय की कार्स देखने को मिलेंगी। नंबर 10 सज्जनगढ़ पैलेस, जो कि शहर के केंद्र से 6 किमी की दूरी पर है। सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर के बाहरी इलाके में बांसदरा पर्वत पर स्थित। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने खगोलीय वेधशाला के रूप में बनवाया था। अब यह उदयपुर के क्षितिज और मनोरम दृश्य को देखने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक के रूप में कार्य करता है। ये खास तौर से सनसेट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से सनसेट का व्यू ऐसा दिखाई पड़ता है मानो जैसे कोई जन्नत हो। खैर छोड़ो, ऐसे तो मैं जिक्र करूँगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। नंबर 11 पर है फतेह सागर झील। शहर के केंद्र से 4 किमी की दूरी पर स्थित, जिसका नाम उदयपुर और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के नाम पर रखा गया है। यह उदयपुर की 4 झीलों में से एक है। फतेह सागर झील खास तौर से बोटिंग के लिए फेमस है। नंबर 12 पर है सहेलियों की बारी। शहर के केंद्र से 4 किमी की दूरी पर स्थित फतेह सागर झील के द्वीपों में से एक पर स्थित एक राजसी उद्यान सहेलियों की बारी में विशाल लोन, छायादार शांत चलने वाली गलियां और भव्य फवारे हैं। यहां एक छोटा सा संग्रहालय भी है। यह उदयपुर में आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नंबर 13 जयसमंद झील। शहर के केंद्र से 47 किमी दूरी पर स्थित जयसमंद झील, जिसे डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ पर आपको हवा महल, रूठी रानी का महल, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और जयसमंद द्वीप रिजोर्ट, ये सब देखने को मिलेंगे। नंबर 14 पर है
एकलिंग जी मंदिर। शहर के केंद्र से 20 किमी की दूरी पर स्थित एकलिंग जी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर तक जाने के लिए कैब लेना सबसे सुविधाजनक तरीका है। यह राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो अपनी उल्लेखनीय वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। नंबर 15, शिल्पग्राम इज 5 किमी फ्रॉम सिटी सेंटर। उदयपुर में अरावली पर्वत की तलहटी में स्थित शिल्पग्राम एक शिल्पकार गांव है, जिसमें पारंपरिक स्थापत्य शैली से निर्मित 26 झोपड़ियां हैं और इन झोपड़ियों में कई घरेलू सजावटी वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जिन्हें देखने के साथ ही आप वहां से अपना पसंदीदा आइटम परचेज भी कर सकते हैं। नंबर 16 पर है दूध तलाई म्यूजिकल गार्डन। शहर के केंद्र से 1 किमी पर स्थित यह एक चट्टान और फवारा उद्यान है, जो सनसेट को एंजॉय करने का मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है और शहर के विस्तृत विस्तार को देख सकता है। इसके अलावा दूध तलाई के बगीचे और करणी माता मंदिर को जोड़ने वाला एक केबल कार है। इनके साथ ही नंबर 17 पर है क्रिस्टल गैलरी इज 1 किमी फ्रॉम सिटी सेंटर। क्रिस्टल गैलरी में क्रिस्टल कलाकृतियों का एक शानदार संग्रह है। गैलरी फतेह प्रकाश पैलेस के अंदर स्थित है और 1877 में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। नंबर 18, सुखाड़िया सर्कल। सुखाड़िया सर्कल इज 3 किमी फ्रॉम सिटी सेंटर। सुखाड़िया सर्कल इज जिसे द हॉर्ट ऑफ पंचवटी भी कहा जाता है, उदयपुर शहर के उत्तर में स्थित पंचवटी के चारों ओर यह शानदार मोड़ पर एक छोटा तालाब है, जिसके बीच में एक 21 फीट ऊंचा त्रिस्तरीय फवारा है। साथ ही अगर मेवाड़ की बात हो और महाराणा प्रताप का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि उदयपुर सिटी सेंटर से 46 किमी की दूरी पर स्थित है, महाराणा प्रताप स्मारक। आकर्षक फतेह सागर झील के दृश्य के साथ महाराणा प्रताप स्मारक में अपने वफादार घोड़े चेतक पर बैठे महाराणा प्रताप की एक अद्भुत कांस्य प्रतिमा शामिल है। कई लोग यहाँ राजपूत नायक महाराणा प्रताप और उनके वफादार घोड़े को श्रद्धांजलि देने भी आते हैं, और ये मेवाड़ का गौरव है। तो चलिए टूरिस्ट प्लेस की अगली कड़ी में, नंबर 20 पर है इंडियन फोक आर्ट म्यूजियम। शहर के केंद्र से 3 किमी की दूरी पर है भारतीय लोक कला संग्रहालय। यदि आप कलाकृतियों में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि इन वस्तुओं को कैसे बनाया जाता है, तो भारतीय लोक कला संग्रहालय निश्चित रूप से आपके लिए जगह है। उदयपुर में चेतक सर्कल के उत्तर में स्थित संग्रहालय में पेंटिंग, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक पोशाक और आभूषण, गुड़िया, मुखौटे, कठपुतली और देवी देवताओं की मूर्तियों का एक अच्छा संग्रह है। और हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है मार्वेल वाटर पार्क इज 4 किमी फ्रॉम सिटी सेंटर। मार्वेल वाटर पार्क शहर में अपनी तरह का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पार्क है। वाटर पार्क परिवारों, दोस्तों और जोड़ों के बीच मोस्ट पॉपुलर वीकेंड हैंगआउट है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कुछ खास स्थान थे
जहां पर आप विजिट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, इन डेस्टिनेशन की टाइमिंग और फीस के लिए हम पार्ट टू में जानेंगे। सो पार्ट टू को देखना है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पास में ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।